रसोई की इन चीज़ों से दूर करें ब्लैक मैजिक। यदि आपको लगता है कि आपके घर पर किसी ने नज़र बाधा छोड़ रखी है, कोई शत्रु ने आपके ऊपर कोई क्रियाकलाप कर रखा है, तो ये प्रयोग 41 दिन तक करें। मैं हूँ डॉक्टर उमा श्री, आपका बहुत स्वागत करती हूँ और आज एक नई जानकारी आपको दे रही हूँ। ये वो चीज़ें हैं जो आपके घर में ही ईजीली आपको मिल जाती हैं। आपको लेनी है थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, ये काली मिर्ची है, काली मिर्ची को भी थोड़ा सा कूट लीजिए, 8 से 10 काली मिर्ची ले लीजिए। और ये है कपूर की टिकिया, इसका भी चूरा बना लीजिए। और ये है पानी, साधारण पानी है, आप चाहें तो लोटे में भी ले सकते हैं या कांच की बोतल में भी ले सकते हैं, गिलास में भी ले सकते हैं। कुल मिला के आपको पानी तैयार करना है। इसमें आप चाहें तो थोड़ी सी नाग केसर का चूरा अगर मिल जाए तो वो भी डाल दीजिए। बाय बिडिंग भी एक चीज़ होती है, वो मिल जाती है ईजिली, तो बाय बिडिंग आपको डालनी है। और इन सबको मिलाकर एक आपको घोल टाइप बना लेना है और उस घोल को अपने घर के टॉयलेट को छोड़कर संपूर्ण घर में आपको छिड़कना है। इसको आपको करना है 41 डेज तक। इसको छिड़कते समय किसी भी पवित्र मंत्र का जाप जरूर करें। आप जिन भी भगवान को मानते हैं, जिस भी धर्म के हैं, ये उच्चारण जरूर करें। साथ में इनके छिड़कने के साथ साथ उसका उच्चारण जरूर करना है। इसके अलावा जब आप ये काम कंप्लीट कर लें उसके बाद में आपको स्नान कर लेना है और थोड़ी देर तक घर की झाड़ू या धुलाई या पोछा ओछा नहीं लगाना है। इस जल को ऐसे ही छिड़क देना है। आप चाहें तो जिस समय आप कहीं बाहर जा रहे हों तो पूरे घर में उसका छिड़काव कर दें और उस पूरे घर को कुंडा लगा के लॉक लगा के बंद कर दें। उसके बाद आप ताला को खोलें कम से कम 1-2 घंटे में और तब आप इन सामग्री को हटा सकते हैं। मतलब अगर वैसे तो पानी के रूप में है, आप चाहें तो मतलब सफाई वगैरह कर सकते हैं, लेकिन इनको छिड़कने के बाद में 1-2 घंटे तक इनका वहीं पर पड़ा रहना जरूरी है। ये आपको बहुत ज़्यादा चमत्कारिक परिवर्तन देगा और आपके घर में किसी ने कुछ भी किया है जिसकी वजह से आप पर बंधन लग गया है वो भी दूर होने लगेगा।